सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर, आजकल जैसे यूट्यूब में बहुत से लोग कंसिस्टेंट भी है और पब्लिक भी बहुत बढ़ रही है, तो इस समय व्हाट इज़ द मेन की टू सक्सेस, कंसिस्टेंट रहना या कुछ अलग बनाना जो कि ऑडियंस को एकदम अलग से दिखे? दोनों, मतलब क्या दिक्कत क्या दोनों करने में? अलग तो आपको सोचना ही है और कंसिस्टेंट तो रहना ही है। मतलब मैगी जो है, अगर बिना मसाले के बनाओगे तो मज़ा थोड़ी आएगा, तो मैगी को उबालना भी है, मसाला भी डालना है, तभी मैगी बनेगी। तो दोनों चीज़ होगी। और सर, जैसा कि आजकल हम देखते हैं जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है, आप भी यूथ की ही जनरेशन में आते हैं, बट पेशेंस इज द की। सर आप हैं, सर बिल्कुल है। तो सर, एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें रिगार्डिंग द पेशेंस, की सक्सेस तो पेशेंस के साथ ही मिलती है, एक बार की तो मुश्किल होती है यार। ये तो बहुत, मतलब इसके लिए ये सीखने के लिए भी पेशेंस चाहिए, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आपको ये समझने के लिए भी पेशेंस चाहिए। बट इम्पॉर्टेंट, एक बार क्लिक हो गया ना तो सब चीज़ें सीख, माइंड में वह क्लिक हो गया ना कि भाई ऐसे ही काम बनना है, तो उसके बाद बनना ही। ऑल्सो यू हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू विन। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो हार ही रहे हो, अगर रख रहे हो तो शायद जीत जाओगे, तो फिर तो जीतना ही है ना। और सर, जैसे कि आपका इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसी कोई परेशानियां जो आपको स्टार्टिंग में आई हो, जो आप उन लोगों को मैसेज देना चाहें जो बिना बैकग्राउंड के इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं? यार, फ्रॉड या लोगों से दूर रहना, आपको काम करने के पैसे मिलेंगे, कभी देना मत। मैंने 500 रुपये फ़ीस दे दो, 1000 रुपये फ़ीस दे दो, ये बहुत किया था 2007 से 2009 में, तो वो मत पढ़ो। और ना, जितनी मुश्किलें आएँ वो बहुत अच्छा है, आपको जो आप आज हो वो इम्पोर्टेंट है, वो मुश्किलों से आप बनते हो। मैं उस जगह भी रहा हूँ जहाँ पे एक कमरे में हम लोग 6 लोग सो रहे थे, बट वो मेरी चॉइस थी, ऐसा नहीं ना मेरे घर वाले ने बोल रहे पैसे नहीं दे रहे, बट मतलब मेरे को एक्सपीरियंस करना था और उसी के थ्रू आप बनते हो। मैं बस से गिर गया था भाई, पहली बार बस में ट्रैवल कर रहा था, यूटीवी के ऑफिस गया था और मेरे को पता नहीं था यहाँ पे उतरना है, मेरे दोस्त ने बोला उतर, और अब क्या होता बस में, जब बस ऐसे चलती है ना तो आपको उतरना ऐसे होता है, मुझे नॉलेज ही नहीं, बस में मैं ऐसे कूद गया तो मैं ऐसे गिरा हुआ था, तो सीखा।